दोस्तों सभी को मेरा नमस्कार। ज्ञानी पुलिस वाला चैनल में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। यह हमारा पहला वीडियो होता था। काफ़ी दोस्तों के रिक्वेस्ट के बाद मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया ताकि मैं आप सभी के लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना सकूँ। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है डोंट स्पीक बॉम्ब एट एयरपोर्ट। एयरपोर्ट पर आप कभी भी बॉम्ब ना बोलें। चलिए मैं आगे बताऊँगा ऐसा क्यों है। दोस्तों आज की इस भीड़ भाड़ वाली 21वीं सदी में हवाई यात्रा एक आम बात है। जहां पहले केवल अमीर व्यक्ति ही हवाई यात्रा करता था, आज आम व्यक्ति भी हवाई जहाज से यात्रा कर रहा है, जिसके कारण आज एयरपोर्ट पर काफ़ी रश बढ़ रहा है, जिसके कारण देश की सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए तथा भूतकाल में कुछ मुख्य घटनाएं जैसे बॉम्ब विस्फोट या प्लेन का हाईजैक होना के चलते सरकार ने सिक्योरिटी से रिलेटेड सख्त कानून बनाए हैं। दोस्तों आज मैं जो जानकारी आपको देने जा रहा हूं वह आपके और आपके परिवार वालों व दोस्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है यदि आप हवाई यात्रा करते हैं तो। दोस्तों जब हम एयरपोर्ट पर पहुँचते हैं तो हमें प्लेन में बोर्डिंग होने से पहले कई चरणों से गुजरना पड़ता है, जिसमें टिकट चेकिंग जो कि CISF करती है तथा उसके बाद चेक इन एरिया में हम प्रवेश करते हैं, जहां संबंधित फ्लाइट कंपनी के काउंटर लगे होते हैं, जहां हमने जिस कंपनी से अपना टिकट बुक किया है उस काउंटर पर जाते हैं और चेक इन प्रोसेस को पूरा करते हैं, जिसमें हमारा लगेज है उसको जमा कर लिया जाता है और सीधे फ्लाइट में पहुंचा दिया जाता है और बोर्डिंग पास इशू किया जाता है। तथा यदि हमारे पास हैंड बैगेज या जिसे कैबिन बैगेज भी बोला जाता है तो उसे हम अपने साथ फ्लाइट में ले जा सकते हैं। इसके बाद हम SHA एरिया, जिसको हम सिक्योरिटी होल्ड एरिया बोलते हैं, की तरफ मूव करते हैं, जहाँ बोर्डिंग गेट होता है। लेकिन इससे पहले हमें मुख्य सुरक्षा घेरा CISF की प्री एम्बार्क चेकिंग से गुजरना पड़ता है, जिसमें हमारे हैंड बैगेज जिसे कैबिन बैगेज भी बोला जाता है कि एक्सरे से गहनता से जांच की जाती है तथा हमारी स्वयं की फ्रिस्किंग की जाती है DFMD HHMD द्वारा। अतः मैं इसके बाद हम बोर्डिंग गेट पर पहुंचते हैं, जहां हमारे बोर्डिंग पास को स्कैन करके फ्लाइट में पहुंचा दिया जाता है, जहां से हम फ्लाइट में प्रस्थान करते हैं। एयरपोर्ट में पहुंचने से तथा फ्लाइट में पहुंचने तक कई प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। कई बार सिक्योरिटी वाले एक्सरे में चेक करते हुए आपसे पूछते हैं कि आपके बैग में कुछ है क्या है, तो हम कई बार आवेश में आकर बोल देते हैं मेरे बैग में बॉम्ब है क्या। हम मजाक में भी बोल देते हैं मैं आतंकवादी हूँ क्या। दोस्तों जैसे ही आपने बम शब्द का प्रयोग किया वहीं से आपकी मुसीबत शुरू हो जाती है। हाँ दोस्तों, उसके बाद आप कितनी दलील पेश करो, आप कितना भी बोलो, लेकिन उसके बाद आपको तुरंत बात को सिक्योरिटी वालों को बताया जाता है और सिक्योरिटी वालों को आपको हैंड ओवर किया जाता है। उसके बाद तुरंत आपको फ्लाइट में चढ़ने से रोका जाता है तथा लोकल पुलिस को भी बुलाया जाता है, तथा उसके बाद तुरंत बॉम्ब थ्रेट असेसमेंट कमेटी बैठती है, जिसमें एयरपोर्ट पर काम करने वाली सभी सिक्योरिटी एजेंसियाँ के प्रतिनिधि होते हैं तथा लोकल पुलिस भी होती है, जो डिसाइड करते हैं। बॉम्ब थ्रेट रिव्यू फॉर्म फिल किया जाता है, उसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं उनको फिल किया जाता है, उससे यह पता लगाया जाता है आपने जो बोला है वो नॉन स्पेसिफिक थ्रेट है या स्पेसिफिक थ्रेट है। ये कॉमन सी बात है, ये नॉन स्पेसिफिक थ्रेट है क्योंकि आपने तो ये मजाक में बोला है। और फ्लाइट को भी जब तक रोका जाता है तथा फ्लाइट को भी डिले हो जाता है जिसके कारण, तथा जाँच के बाद आपके सामान की तथा आपकी तलाशी ली जाती है गहनता से। PDDS टीम तथा बॉम्ब दस्ता तथा डॉग स्क्वाड को भी बुलाया जाता है, जो आपके बैग की पूर्ण रूप से जांच करता है, तथा उसके बाद आपका पैट डाउन सर्च किया जाता है, आपके कपड़े तक उतार के चेक किया जाते हैं, तथा CCTV पूरे आपके मूवमेंट की वॉच करता जाए, तथा उसके बाद आपको फ्लाइट से ऑफलोड कर दिया जाता है तथा आप फ्लाइट में आप यात्रा नहीं कर सकते, तथा उसके बाद आपको पुलिस में हैंड ओवर कर दिया जाता है तथा FIR की जाती है। इससे आपको बहुत ही मुसीबत और समय का बर्बादी का सामना करना पड़ता है। उसके बाद पुलिस थाने में आपको लेकर जाएगी और उसके बाद आपको जांच करी जाएगी, तो आप उसके बाद जांच में आपको काफ़ी दलील करना पड़ेगा, जमानत भी पेश करनी पड़ सकती है। तो अब देखो दोस्तों, आपने इतनी सी बात बोली और आपको कितना
कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। हो सकता है कि आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ आपका इम्पोर्टेंट मीटिंग हो या इम्पोर्टेंट काम हो जो आपका बेहद ही ज़रूरी हो, लेकिन आपके इतनी सी बात से आपको बहुत नुकसान हुआ। इसलिए दोस्तों मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि कभी भी एयरपोर्ट पर यात्रा करते समय ऐसा कुछ ना बोले जिससे आपको नुकसान हो, और आपके दोस्तों को भी आपके परिवार वालों को भी इस बारे में बताएं। और तथा सिक्योरिटी है जो आपकी सुरक्षा के लिए है, इसलिए आप हमेशा उसको कोऑपरेट करें तथा कभी भी ऐसी बात ना बोले। और यहीं मैं अपनी वीडियो को समाप्त करूँगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।